छत्तीसगढ़ प्रदेश में 9 माह की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए दुर्ग के पूर्व विधायक अरुण वोरा और वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने इसे बड़ा दुर्भाग्यजनक बताया है। पत्रकार वार्ता के दौरान आरोप लगाते हुए वहां पर मौजूद कांग्रेसियों ने छत्तीसगढ़ में महिलाएं असुरक्षित नहीं होने की बात कही। प्रदेश में कहीं न कहीं सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हो रही है, ऐसी बातें उन्होंने कही। 9 माह की भाजपा सरकार के राज में छत्तीसगढ़ में महिलाएं असुरक्षित हो गई है। रोज रोज प्रदेश में कहीं न कहीं सामूहिक बलात्कार की घटनाएं उजागर हो रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्यजनक क्या हो सकता है कि राजधानी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। रायपुर नया बस स्टैंड में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है और दूसरे ही दिन रिपोर्ट लिखा गया, उसमें भी सामूहिक दुष्कर्म को साकार किया गया, बलात्कार की रिपोर्ट लिखा गया। यहाँ भी पुलिस अपराधियों को सजा देने के बजाय उन्हें बचाने में लगी हुई है। ये सब आरोप दुर्ग के राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेसियों ने भाजपा पर लगाए। इस दौरान प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक अरुण वोरा ने गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यजनक है कि सरकार, जिसे इन मामलों को गंभीरता से लेकर कार्रवाई करवाना चाहिए, वह बलात्कार जैसी घटनाओं को भी छुपाने और अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। अब तक 8 माह में प्रदेश में महिलाओं के प्रति 3,094 अपराध हुए हैं तथा 600 से अधिक बलात्कार की घटनाएं हुई है। प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। कोई भी सुरक्षित नहीं है, लगातार कहीं पर गोली चल रही है, खुलेआम कहीं चाकूबाजी हो रही है, कहीं पर डकैती हो रही है, कहीं पर चैन स्नेचिंग का काम हो रहा है। लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और सट्टेबाजी बढ़ रही है, जुए लगातार पकड़े जा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि बहुत धुआं चल रहा है और नशे का कारोबार भी लगातार बढ़ रहे हैं और खुले में शराब बेचने का काम भी लगातार जारी है। इससे यह महसूस होता है कि छत्तीसगढ़ की जनता असुरक्षित है। बढ़ते हुए अपराध के रोकथाम में सरकार विफल रही है, जिसके खिलाफ यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। महिलाओं के साथ लगातार अनाचार हो रहे हैं। रायपुर की घटना देख लो, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे पे अगर किसी महिला सुरक्षित नहीं है तो उससे समझ लो कि सरकार कहाँ है। अभी बीरेझर में घटना हुई एक नाबालिग के साथ, डीपीएस रिसाली में एक बच्ची के साथ अनाचार होता है और पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन उसको दबाने में लगी है, उनके पेरेंट्स को परेशान कर रही है अपराधी को पकड़ने के बजाय। ये किस ओर ले जा रही है सरकार? लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, प्रदेश में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, गौ माता सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं, तो ये कहाँ है सरकार, कहाँ खड़ी है सरकार? इसके जवाब के लिए हम लोग आज प्रेस वार्ता ले रहे हैं। जब से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आज 9 महीने हो गए इस सरकार को सत्तासीन हुए, महिला सुरक्षा व क्राइम कंट्रोल में भाजपा सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। प्रदेश में अपराध के बढ़ते ग्राफ ने कानून व्यवस्था की कलाई खोलकर रख दी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि राज्य की सरकार जो सुशासन की बात करती थी, आज 9 महीने में कहीं सुशासन दिखलाई नहीं दे रहा है। छत्तीसगढ़ में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ते जा रही है और
और यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखेंगे कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सक रहा है। 5 साल से लेकर 50 साल की महिला भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सक रही है, जो इस बात को बतलाता है कि लोगों के मन में कितनी दहशत है। पहले तो हम समाचार पत्रों में और टेलीविज़न में देखा करते थे इन घटनाओं को, लेकिन अब हर गली मोहल्ले में ये घटनाएं आम हो गई है। चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है, चेन स्नैचिंग हो रही है, कहीं पे भी हत्याकांड हो रहे हैं। इन 9 महीने में लगभग 600 से अधिक आपराधिक घटनाएं घटित हुई है, जो इस बात को बतलाता है कि सरकार की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से लचर है। इसके विरोध में आज सरकार के विरोध में आज पूरे प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं और इस बात को लोगों को बतला रहे हैं कि इस सरकार के आने के बाद क्या स्थिति हमारे प्रदेश की बन गई है। और ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस पार्टी हमेशा लड़ाई लड़ती रहेगी। कल हम कांग्रेसजन जिला मुख्यालयों में काली पट्टी लगाकर मौन धरना देंगे और महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के पास, ताकि भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि आ सके कि सत्ता उनको इसलिए नहीं सौंपी है कि वो अपनी मनमानी करें, उनको जन भावनाओं के अनुरूप ही काम करना होगा। दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल से भाजपा सरकार के राज में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस द्वारा आरोप लगाए जाने की बात कही तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस के नेताओं पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकाल में पुलिस को अपने कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे थे और आज ये लोग आरोप लगा रहे हैं। देखिए आगे क्या कहा सांसद विजय बघेल ने। देखिए, कांग्रेस के कार्यकाल में जो विभत्स स्थिति थी, पुलिस को ये लोग अपने कार्यकर्ता के रूप में उपयोग कर रहे थे, वो लोग आज ये आरोप लगा रहे हैं। ये लोग खुद के गिरेबान में झांक के देखे कि किस तरह कानून व्यवस्था लचर थी। आज आप यही मैदानी क्षेत्र नहीं, आप वनांचल में जाके देखिए, लगातार हमारे राष्ट्रीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं माननीय अमित शाह जी, और इसकी गंभीरता समझिए कि छत्तीसगढ़ में शांति हो, छत्तीसगढ़ में अपराध ना हो ज़्यादा और छत्तीसगढ़ शांति का टापू बने, उसके लिए केंद्र सरकार भी लगी हुई और हमारी सरकार भी इसमें कटिबद्ध है और वो दिख रहा है। छोटे मोटे हादसे अक्सर होते रहते हैं और उसमें कार्रवाई भी होती है। आप देखिएगा जितने भी घटनाएं हुई है उसमें कार्रवाई तत्काल हुई है। आप BPS के मामले की ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, जिसके बारे में पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता लिया था रायपुर में, उस मामले को आप शायद कह रहे होंगे, मुझे तो नहीं मालूम आप किस विषय पे बात कर रहे हैं, लेकिन उस विषय पे मैंने शुरू से ही संज्ञान में उसको लिया और मैं उस समय दिल्ली में था। दिल्ली से टेलीफोनिक DPS के प्रिंसिपल से बात की, यहाँ के SP से बात की, जो हमारे BSP के अधिकारी जो वहाँ पे डायरेक्टर के रूप में है DPS पे, उससे मैंने बात की और मैंने ये भी कहा कि अगर कोई अफवाह फैला रहा है DPS को बदनाम करने के लिए, ऐसे भी सभी आए थे, तो अफवाह फैलाने वालों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी बच्ची को लेकर इतनी घृणित मानसिकता के साथ इस तरह अफवाह फैलाए, वो भी अपराध है, और अगर हुआ है तो उसका भी छानबीन होनी चाहिए, अपराधी पकड़े जाने चाहिए और अपराध की सजा होनी चाहिए। दोनों स्तर पर मैंने निर्देश SP को दिए थे। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।